कहाँ से आया? बोले सोनीपत हरियाणा। तो कितने लीटर की जल की कावड़ है ये? और मतलब बाय रोड ही जाओगे किधर को रूट आता है? यहाँ से कहाँ कहाँ जाओगे? यहाँ से रुकी रुकी से फिर अपना मुजफ्फरनगर जी, मुजफ्फरनगर से शाम बड़ोत बड़ोत हुए फिर अपना गोरीपुर मोड। अच्छा गोरीपुर मोड से सोनीपत। अच्छा अच्छा तो बोले कहाँ से आए हो आप? ग्रेटर नोएडा यूपी से मावड़े बोले। अच्छा तो जबरदस्त मजा आ रहा है। जी 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 हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एक नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको हर की पेड़ी के गाइस दर्शन। और यहाँ पर सावन का आज पहला दिन है, तो सावन के पहले दिन यहाँ पर कितनी भीड़ होने वाली है, कितने यहाँ पर भक्त दर्शन करने वाले हैं और कितने स्नान करने वाले हैं, तो सारी एक एक इन्फॉर्मेशन देंगे। और दोस्तों थोड़ी थोड़ी बूंद भी आ रखी है यहाँ पर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बने रहिए वीडियो के साथ, जैसे जैसे भी होगा वो मैं आपको बता दूंगा। नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और ये जो वीडियो आज मैं करने जा रहा हूँ ये हर की पौड़ी की वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने यहाँ पर भोले आए हुए हैं। और जैसा कि इस बार सावन का पहला ही दिन जो है सोमवार का है, भोलेनाथ का दिन है, तो आप देख सकते हैं जी कितने यहाँ पर भीड़ आ रखी है जी गंगा स्नान करने के लिए। और बहुत भोले आए हुए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों बारिश पड़ने लगी है और बारिश का मौसम हो रहा है। आप आसमान में भी देख सकते हैं कितने ज्यादा बादल छाए हुए हैं और बारिश फिलहाल शुरू हो गई है। आपको दीवार पे दिखा दूं गिरती हुई, तो आप देख सकते हैं अभी इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई, बाकी बारिश चालू हो गई है। और बारिश अगर यहाँ आ गई तो जबरदस्ती पड़ेगी बारिश, तो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जी कितना क्राउड है यहाँ पर। देख सकते हैं मैं भी हर की पौड़ी के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पर जो है बारिश हो रही है, बहुत जबरदस्त बारिश है जी आज की। और सावन का आज पहला दिन है, आप देख सकते हैं जी यहाँ पर रोड पे आपको चमक ही रहा होगा, बारिश यहाँ पर चालू हो गई है। आप देख सकते हैं जी हर की पौड़ी यहाँ पर जो है अभी बारिश होकर यहाँ पर समाप्त हुई है। और आप देख सकते हैं जी भक्तों की जो भीड़ है सावन मेले में यहाँ पर जो है कम होने के लिए नहीं कह रही है। आप देख सकते हैं बारिश में भी डटे हुए हैं लोग। और चलिए चलता हूँ अलोक को करता हूँ, बारिश अलोक करना पड़ रहा है आप लोगों की। मैं एक नंबर का सुहाना हो चुका है बारिश होने के बाद। और चलिए सारे हर की पौड़ी का व्यू दिखाऊंगा, जबरदस्त बारिश हुई है। और जैसा कि आपको मैं दिखा पा रहा हूँ बारिश में सुहाना मौसम हो चुका है, बारिश में सुहाना मौसम हो चुका है एक नंबर का। और भक्तों की जबरदस्त भीड़ है बारिश में भी डटे हुए है जी स्नान करने के लिए। सावन का आज पहला दिन है, तो एक नंबर का मौसम है जी। आप देख सकते हैं बारिश के बाद कितना सुहाना मौसम हो गया और बादल छाए हुए हैं। तो जैसा कि आपको मैं दिखा पा रहा हूँ इतनी क्लियरिटी तो वैसे वीडियो में आ नहीं पाने की, मगर जो भी है आप देखते रहना। और दोस्तों यहाँ पर रिप्टन बहुत हो रही है नीचे की साइड में, तो इधर से भी आपको दिखा दूँ। इधर जो है ये मैन हर की पौड़ी है, तो इधर जो है कम भीड़ है, क्योंकि इधर इसलिए कम भीड़ रहती है क्योंकि यहाँ पर चप्पल जूते बाहर ही जमा करके आने पड़ते हैं आपको, तो इस वजह से यहाँ पर लोग कम आते हैं। बाकी बारिश से पहले यहाँ पर जबरदस्त भीड़ देखने के लिए मिल रही थी, अब ज्यादा जो है बारिश हुई है अभी और थोड़ी थोड़ी अब भी बारिश हो रखी है, तो इस वजह से इधर थोड़ी कम भीड़ है। उधर आप देख सकते हैं जी उधर जबरदस्त भीड़ चल रही है। और चलिए चलते हैं इधर की ओर आपको दिखा दूं, तो बारिश में एकदम जबरदस्त मौसम हो गया जी एक नंबर का। और दोस्तों बारिश तो होना तय था क्योंकि गर्मी भी यहाँ पर बहुत हो रखी थी, तो इस वजह से बारिश होगी, सुहाना मौसम हो गया। वैसे गर्मी 3-4 दिन से बरकरार चल रही थी और कम से कम 10-15 दिन से सावन में। तो जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ, तो ये जो सावन मेला है ऐसा लग रहा था कि सूखा ही निकल जाएगा, बाकी अब बारिश हुई है जाकर के। और आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर यहाँ पर कावड़ आ रही है। तो नीचे की ओर चल रहा हूँ और बारिश का जो दौर है वह बढ़ता जा रहा है और बारिश में वीडियो कवर कर रहा हूँ मैं भी। चलिए चलता हूँ पूरी हर की पौड़ी का आपको व्यू दिखाएंगे। हर की पौड़ी की जो डिटेल है वे मैंने पहले कवर कर रखी है वीडियो, उसमें आप देख सकते हैं। और इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना जबरदस्त मौसम हो रहा है सुहाना, इधर से भी आपको दिखा दो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कल मैं आया था हर की पौड़ी पे, तो इसमें इतना यहाँ पर जल नहीं आ रहा था, आज बाकी जो है जल बढ़ चुका है गंगा के अंदर।
और बूंद दोबारा जैसा कि बारिश यहाँ पर हो रही है तो दोबारा यहाँ पर बारिश का मौसम बन चुका है दोबारा से, आप देख सकते हैं। और भीड़ जो है यहाँ पर बरकरार बनी हुई है और यहाँ पर स्टैंड करते भी आपको नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं जी। यहाँ पर ये पुल पर कूदते हैं और यहाँ पर गंगा खाली हो गई थी कल जैसा कि मैं आया था, तो आज जो है गंगा जल इसमें बढ़ चुका है ज्यादा और बारिश हो रही है तो अब तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको इधर से भी मैं दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं जी इसमें गंगा में कितना ज्यादा भाव है आज जल का, और बारिश हुई है अभी अभी, वैसे भी यहाँ तो जल का भाव आज रहने वाला है। और कल जो है यहाँ पर हर की पौड़ी खाली हो गई थी, जो इसमें जल आता है बहकर तो वह जल रोक दिया गया था, और भीड़ देख सकते हैं जी आप बरकरार बनी हुई है हर की पौड़ी पर। और व्यू इतना दोस्तों खास नहीं बन पाने का क्योंकि बारिश हो रही है, तो बारिश में व्यू इतना खास बन नहीं पाता वीडियो में। और चलिए चलते हैं इधर की ओर। और भोलों की संख्या बहुत ज्यादा है क्योंकि सावन का पहला दिन है, सोमवार का दिन है, वैसे भी महादेव के दिन यहाँ पर सावन स्टार्ट हुआ है, तो इधर भी आपको दिखा सकता हूँ। और पीछे की साइड आप भीम गोड्डे का पुल देख सकते हैं, ये पहले कलर का, ये मैंने आपको कई बार वीडियो में दिखा रखा है। और बारिश जो है दोस्तों तेज हो चुकी है, मुझे लगता है कि वीडियो मुझे बाद में बनानी पड़ेगी फिर से। और चलिए इधर को भी आपको दिखा दूं, तो व्यू जो है यहाँ पर अच्छा आ रहा है और भीड़ बरकरार बनी हुई है जी, आप देख सकते हैं जी। मैं वीडियो बनाने के लिए गया हुआ था और यहाँ पर जो है बारिश जो है दोबारा से यहाँ पर तेज हो चुकी है, तो इस वजह से वापसी आना पड़ा। और भक्तों की आप भीड़ देख सकते हैं जी, बारिश में भी नाम, बारिश में भी भक्तों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। और उसको बारिश आप देख सकते हैं यहाँ पर, और भोलों की भीड़ भी यहाँ पर देख सकते हैं कितनी यहाँ पर आ रखी है सावन के पहले दिन ही, और भीड़ में भी यहाँ पर भोलों की यहाँ पर अटाटूट भीड़ है जी, तो कम होने का नाम नहीं ले रही है, और बारिश भी कम होने का नाम नहीं ले रही है, बारिश भी बहुत जबरदस्त है जी। तो आप देख सकते हैं जी सारा आपको व्यू दिखा रहा हूँ, और जब बारिश थोड़ी बंद हो जाएगी उसके बाद मैं वीडियो को कवर करूंगा, उधर से भी आपको व्यू दिखा दूं। तो भारी बारिश है जी आज सावन के पहले दिन, कितनी जबरदस्त बारिश हो रखी है, और आगे आगे तो अभी पूरा सावन पड़ा है क्योंकि पहले ही दिन आए तो सावन का, और बारिश जो है थमने का नाम नहीं ले रही है, बहुत जबरदस्त बारिश है। और यहाँ पर जितने भी गंगा स्नान करने के लिए, और सावन का पहला दिन है जैसा कि स्नान करने के लिए लोग आए हुए हैं, तो यहाँ पर उनकी भी भीड़ जबरदस्त है, अटाटूट भीड़ है जी आप देख सकते हैं। और बारिश जो है बहुत सख्त हो रही है, इधर से भी आपको दिखा दूं, तो मौसम एक नंबर का रखा है वैसे बढ़िया हुआ, क्योंकि पूरे सावन ऐसा ही निकल जाता वरना, क्योंकि बारिश का तो कोई चांस नहीं लग रहा था, वैसे आज बारिश होगी तो जबरदस्त मजा आ गया जी। तो बारिश रुकने के बाद ही वो लोग को कंटिन्यू करूंगा, तो अभी तो बारिश हो रखी है और भीड़ भी जबरदस्त है जी, जैसा कि आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। तो अभी भी यहाँ पर 2.5-3 घंटे हो चुके हैं और बारिश का कोई रुकने का नाम नहीं है, यहाँ पर सुबह 9 बजे से यहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी और अभी भी यहाँ पर बारिश पड़ रही है। तो चलिए चलता हूँ मैं, और इधर से भी आपको दिखा दूँ एक बार, तो जैसा कि आपको मैं दिखा पा रहा हूँ अब आप व्यू देख सकते हैं हर की पौड़ी का, तो कैसा सुंदर व्यू बना हुआ है बारिश के मौसम में। और घाट पे जो है अभी इतनी भीड़ नहीं है क्योंकि बारिश की वजह से जो है भीड़ कम हो चुकी है यहाँ पर। और जिस टाइम पे सुबह सुबह का जब बारिश शुरू नहीं हुई थी उस टाइम का भी मैंने आपको दिखाया था, तो बहुत जबरदस्त भीड़ चल रही थी यहाँ से। और गंगा में जल स्तर भी बढ़ चुका है क्योंकि बारिश हो रखी है, तो इतना जल स्तर तो बढ़ा नहीं, बाकी फिर भी जल स्तर ज्यादा बढ़ चुका है अब जा। तो चलिए चलता हूँ मैं, और आपको सारा एक बार इशारा आज दिखाकर चलेंगे। तो अगर आपको यहाँ आना है तो आपको रूम वगैरह की बताओ, तो यहाँ पर रूम वगैरह तो यहाँ पर मिलेंगे नहीं क्योंकि सावन का महीना है और सावन के महीने में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है जी यहाँ पर। तो दोस्तों घाट पर इतनी ज्यादा भीड़ है कि यहाँ पर जो है बारिश में जैसा कि लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, सावन का पहला दिन है आज और बारिश का भी यहाँ पर पहला ही दिन है, क्योंकि इस सावन के स्टार्ट होते यहाँ पर बारिश ने अपना जलवा दिखाया है, आप देख सकते हैं। और चलिए सारी वीडियो कवर कर रहा हूँ मैं, और अगर यहाँ रूम वगैरह की बात करूँ तो यहाँ पर होटल वगैरह धर्मशाला में रूम आपको नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जो है सावन का महीना शुरू हो गया है, तो बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है जी। और कावड़ यहाँ पर एक से एक आ रही है, आप देख सकते हैं कावड़ भी, और ये जो जल भरा जाता है आप देख सकते हैं, ये सबसे भारी कावड़ होती है जी। वैसे शादी आप कावड़ लेने जाओ तो उसमें तो मतलब वे तो आराम से चली जाती है। तो कहाँ से आप बोले? सोनीपत हरियाणा। तो कितने लीटर की जल की कावड़ है ये? और मतलब बाय रोड ही जाओगे किधर पे रोड आपका है?
यहाँ से कहाँ कहाँ जाओगे? यहाँ से रुड़की से फिर अपना मुजफ्फरनगर जी, मुजफ्फरनगर से बड़ोर से हुए फिर अपना गोरीपुर मोड़। अच्छा 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 अच्छा, तो इसे मतलब कितना वजन हो जाता है इसमें, इसको भरने के बाद जल को? जल को वजन भरने के बाद हमारा जाता होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ज्यादा लोड पड़ता है या मजे में चले जाते हो? अच्छा अच्छा अच्छा, और जैसा कि आज सावन का पहला दिन है तो इसके लिए क्या बोलना चाहोगे आप? सावन का पहला दिन है, बहुत बढ़िया, पहला सोमवार है, थोड़े पापा ने बढ़िया बारिश कर रखी, बढ़िया मौसम कर रखा है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलकर, एक बार अपना नाम बता दो। कमल 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 कमल। अच्छा जी, धन्यवाद बहुत बहुत। जय बाबा जी, जय बाबा, जय बाबा, हर हर महादेव। किस नाम से चैनल अपना? जॉनी कुमार सिंह। देख सकते हैं घाट पर जो है भीड़ बराबर बनी हुई है यहाँ पर, क्योंकि बारिश हो रखी है और बारिश में भी यहाँ पर जो है, यहाँ पर जितने भी भक्त यहाँ पर आए हुए हैं स्नान करने के लिए, आज गंगा स्नान का पहला दिन है सावन का, तो यहाँ पर भीड़ बराबर बनी हुई है। और भीड़ में मतलब यहाँ पर बारिश में आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर बारिश में बहुत मामला बेकार हो गया, क्योंकि बारिश भी जरूरी है, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा थी भयंकर, क्योंकि बारिश भी होनी जरूरी थी, तो यहाँ पर भी भोले यहाँ पर कावड़ तैयार कर रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से 51 लीटर के समथिंग इनका जल होगा, और सारे में आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों बारिश की वजह से मतलब मजा नहीं आ पा रहा वीडियो में भी, और पन्नी ओढ़ के वीडियो बनानी पड़ रही है, तो आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। और दोस्तों कोई भी ऐसी वैसी कमेंट मत करना कि ये ऐसी बनाई, क्योंकि यहाँ पर बारिश की वजह से यहाँ पर सारा मैटर बिगड़ गया, तो वीडियो तो मैं बहुत जबरदस्त बनाता वरना। और अब 2-4 दिन में जैसा कि यहाँ पर रूट बंद कर दिया जाएगा, तो वे डाइवर्ट कर दिया जाएगा इधर उधर को, तो वे भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। बाकी यहाँ पर आप ट्रेन वगैरह से भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन बहुत स्पेशल चला रखी है, इन्होंने कहीं ट्रेन स्पेशल लगाई है, तो ट्रेन से भी आप आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं। और हर की पौड़ी पे आप देख सकते हैं इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ी भीड़ कम हो गई है, और भीड़ भी बहुत बनी हुई है। और आप कावड़ भी देख सकते हैं, एक से एक कावड़ है जी यहाँ पर हर की पौड़ी पर, तो सारा दृश्य आपको मैं दिखा रहा हूँ। और बारिश बहुत भयंकर है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं अभी जो है, जैसा कि यहाँ पर सावन का आज पहला सोमवार है और पहला ही दिन है भोलेनाथ का दिन है, तो यहाँ पर इतनी घाट पर भीड़ नहीं है। बाकी एक बात और आपको इन्फॉर्मेशन में देना चाहूंगा, तो यहाँ पर दूर के जो भोले हैं वे अब यहाँ से जल उठा कर ले जा रहे हैं, बाकी जो आस पास के जिलों के जैसे मुजफ्फरनगर हमारे और मेरठ वगैरह के, तो वे जो है 26-27 तारीख को यहाँ पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद यहाँ से चले गए। तो उसके बाद लोकल के जो जैसे कि आसपास के जिले होते हैं, तो उस आसपास के जिलों के यहाँ पर भोले चले गए। और हर की पौड़ी का दृश्य मैं आपको सारे दिखा रहा हूँ दोस्तों। एक हाथ से पन्नी पकड़ी हुई है, इसलिए मैं अपना फेस नहीं ला सकता, क्योंकि पन्नी ओढ़ के वीडियो बनानी पड़ रही है। कावड़ यात्रा में डीजे भी एक से एक आए हुए हैं, तो डीजे की मैंने वीडियो डाल रखी है चैनल पे, आप देख लेना। और भोले जैसा कि यहाँ पर सावन का पहला दिन है, तो भीड़ सुबह सुबह बहुत जबरदस्त भीड़ थी, अब जो है बारिश की वजह से यहाँ पर भीड़ कम हो गई है। कुछ भोलों से बात करते हैं, तो यहाँ पर अभी एक कावड़ रेडी हो चुकी है और यहाँ पर जो है ये भोले कावड़ रेडी कर रहे हैं। तो भोले कहाँ से हो? जय भोले की। कहाँ से हो भोले? अच्छा दिल्ली से हो, तो कितने लीटर जल उठाओगे? अच्छा 40 लीटर की कैन है ये, तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो ये 40 लीटर की। एक बार अपना नाम बता दो भाई। हैं? रवि। और अपना नाम है? प्रभात। और अपना? अच्छा, तो कितने दिन में पहुंच जाओगे भोले दिल्ली? 9 दिन में। तो आराम आराम से जाओगे, रुकते मौज काटते? जय भोले की। और बारिश हुई आज, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? बहुत ही मजा आ गया बारिश। हाँ जबरदस्त गर्मी थी, गर्मी का कोई तोड़ नहीं है वैसे, और सावन का जैसा कि पहला ही दिन था, तो भोले ने कृपा करी कि गर्मी में थोड़े जी जी, तो भोले बाबा ने थोड़ी राहत दे दी। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही बारिश बनी रहे। तो ये जो है जी 51 लीटर जल के कैन है आपको मैंने दिखा दिए, और ये भोले जो थे दिल्ली से आए हुए है। और ये घंटाघर वगैरह तो मैंने आपको कभी दिखा रखा है पिछले व्लॉग में,
तो एकदम मैं लाइव दर्शन करा रहा हूँ आपको इसके, तो एकदम लाइव दर्शन करा रहा हूँ आपको हर की पौड़ी के, और इधर से भी आपको दिखाना चाहूंगा ये मंदिर वगैरह यहाँ पर बने हुए हैं जितने भी यहाँ पर हर की पौड़ी में। तो दोस्तों हर की पौड़ी की स्टोरी बताने की तो मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने पहली जो हर की पौड़ी की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी एक एक जगह की। अब तो सिर्फ मैं वीडियो कवर कर रहा हूँ सावन के पहले दिन की, और सावन का आज पहला ही दिन है। जबरदस्त भीड़ थी सुबह, इस बार बारिश हो चुकी है तो अभी यहाँ पर भीड़ थोड़ी कम देखने के लिए आपको मिल रही है। बाकी आप कावड़ देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर आई हुई है। जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, मैं खड़ा हुआ अभी भागीरथी सेतु पर, और आपको मैं दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर 9 बजे से बारिश स्टार्ट हुई थी और 11:30 बज चुके हैं। और दोस्तों अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ तो मैं खड़ा हुआ अभी भागीरथी सेतु पर और 9 बजे से बारिश चालू हुई थी, और अभी जो है 12 बजे का समय हो चुका है। बारिश की वजह से गंगा के अंदर भी थोड़ा पानी का बहाव बढ़ चुका है, और इधर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है घाट पर भीड़ बराबर बनी हुई है। क्योंकि आपको मैं बता दूँ, जिस टाइम मैं सुबह सुबह यहाँ पर आया था उस टाइम बारिश नहीं थी, तो उस टाइम पर जो है यहाँ पर सावन के पहले दिन था जैसा कि आज, तो उस टाइम पे बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर भीड़ चल रही थी। इस वजह से यहाँ पर अब बारिश यहाँ पर हो रखी थी, तो थोड़ी अब बारिश में भी राहत मिली है, तो भीड़ अब दोबारा से इकट्ठी होनी चालू हो जाएगी। और इधर से भी आपको सारा परिसर दिखाना चाहूँगा मैं। तो दोस्तों सामने उस पुल पर अभी मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, और अभी मैं खड़ा हूँ भागीरथी सेतु पर, और चलो इधर का भी आपको परिसर दिखा दूँ। ये जो भोले हैं यहाँ पर कलश कावड़ यात्रा यहाँ पर बांध रहे हैं, अभी थोड़ी देर में इनमें जल भरेंगे, और इधर से भी आपको दिखाना चाहूँगा तो गंगा का यहाँ पर। और फिलहाल मैं खड़ा हूँ भागीरथी सेतु के बीचों बीच, आप देख सकते हैं जी, और जल स्तर थोड़ा ही अप हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं अप हुआ। बाकी पैड़ी जो है यहाँ पर 4-5 पैड़ी अभी खाली चल रही है, क्योंकि 3-4 दिन पहले मैं आया था तो यहाँ पर गंगा में बिल्कुल पानी नहीं था, और गंदा पानी भी आ रहा था, तो रेत ही रेत हो गया था सिर में भी स्नान करने के बाद। और इधर से भी आपको व्यू दिखाना चाहूँगा मैं, बारिश में देख सकते हैं क्या बुरा हाल हो गया यहाँ का। तो इधर से भी आप देख सकते हैं जी, और डिटेल बताने की तो कोई वैसे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि पिछली बार जो मैंने वीडियो कवर की थी इस हर की पौड़ी की, तो उसमें मैंने सारी डिटेल से बता रखी है, वैसे देख लेना। और इधर आप ये धनुष पुल भी देख सकते हैं, और अभी बारिश का मौसम दोबारा बन चुका है, क्योंकि बारिश दोबारा आने लगी मोटी मोटी। तो चलिए मैं जल्दी इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, और जितनी इन्फॉर्मेशन थी वे मैंने आज आपको लाइव दर्शन कराए हैं इस हर की पौड़ी के। तो दोस्तों ये हर की पौड़ी के मैंने आज आपको लाइव दर्शन कराए हैं, और यहाँ पर सावन का आज पहला सोमवार था तो भीड़ बहुत ज़्यादा बनी हुई थी उस टाइम पे जब बारिश होने से पहले। और आपको मैं बता दूँ फिलहाल जो है भीड़ थोड़ी कम हो चुकी है, बाकी इतनी भीड़ नहीं है, और वैसे देखा जाए तो अब भी बहुत ज़्यादा भीड़ बनी हुई है यहाँ पर। और सावन का जो है आज पहला दिन था, सोमवार का दिन था, भोलेनाथ का दिन है। बाकी मैं आपको बता दूँ जितने यहाँ पर हर की पौड़ी की इन्फॉर्मेशन थी सावन के पहले दिन की, वे मैंने आपको दे दिए, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।